As a comrade of the Presidium, distinguished guests, and my dear comrades, first of all, I congratulate all of you from DYFI, Democratic Youth Federation of India, Central Executive Committee. I congratulate you and salute you because last 3 years, from Puri Conference to Chennai Conference, CITU organized so many marvelous programs and movements throughout the country, and we DYFI inspired from your movement and other programs. So I also congratulate you. And lastly, 8th January strike, a historical strike organized by CITU. We, Democratic Youth Federation of India, we also part of this strike, and it is a historical strike. So here, I come here to learn something from your discussion, from your conference. I am feeling very proud to stand here because हमारे साथ बहुत सारे कॉमरेड ऐसा है जो पहले हमारे साथ DYFI करता था. मैंने देखा आपका कॉन्फ्रेंस में अभी CITU का नेतृत्व में वो DYFI कॉमरेड खड़े होकर लड़ रहा है. ये हमारे लिए बहुत गर्व का बात है. कॉमरेड, यू नो द सिचुएशन ऑफ अवर कंट्री इज वेरी पैथेटिक, वेरी पैथेटिक. ऐसा स्थिति देश में कभी नहीं आया आज़ादी के बाद, कभी नहीं हमने देखा. लेकिन सभी के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, आपके रिपोर्ट में सब कुछ है. लेकिन द सिचुएशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अवर कंट्री इज वेरी पुअर, यू नो. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अवर कंट्री इज नाउ 6.7%. अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमोंग द एडुकेटेड यूथ इज 15%. आई गिव यू वन डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. यू नो एवरी ईयर total people, total student, past student, graduate and master degree, only 56-57% they got minimum job to the market. And I also give you one data for technical education. In every year, 15 lakhs engineer in coming to our Indian market from private university and government university. Among them 15 lakhs, only 6 lakhs they will get job in the Indian market. This is the situation of our engineer. Aur abhi ekdam aam jo youth hai, gaon mein rehta hai, mohalla mein rehta hai, iske aur aap agar dekhenge to halat aur kharab hai. Ye Modi sarkar aane ke baad aap NRE ji jo hamara jo bampanthi sarkar jab samarthan kiya tha, ये मनरेगा कोई ऐसा नहीं दिया हम लोगों को. ये हम लोग सब मिल के ये छीना था, मनरेगा देना पड़ेगा. और मोदी आने के बाद आप देखिए लास्ट 6-7 ईयर्स हर साल मनरेगा में जितना बजट है वो बजट हर साल घट रहा है. तो एवरीवेयर एडुकेटेड पीपल, वेरी कॉमन यूथ, unemployment is a very good problem, very important problem of our country. I am very happy here from 26th you will discuss your 4 commission paper. I already saw your 1 commission paper subject is explosive rise in unemployment. I am very happy. From 1980 DYFI main slogan, job for all, education for all. सबके लिए काम चाहिए, सबके लिए सिक्का चाहिए, ये लेके आसी से हम लड़ रहा है. लेकिन अभी पूरे देश में, खास करके हमारा देश का वर्किंग क्लास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन CITU, आप लोगों भी आपका पहला एजेंडा में ये अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दे को लाया. इसीलिए पूरा कॉन्फ्रेंस को मैं फिर से DYFI की ओर से कंग्रेचुलेट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. कॉमरेड, ये जरूरी है. आने वाले दिन में वी नीड CITU और DYFI. इफ वी विल ऑर्गेनाइज सम जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री, नॉट ओनली दिल्ली, नॉट ओनली सेंटर, महल्ला में एक साथ हमको लड़ना पड़ेगा, गांव में जाके एक साथ हमको लड़ना पड़ेगा. मैं आपसे अपील करूंगा लीडरशिप से कि आपके कॉन्फ्रेंस के बाद, ये पेपर कमीशन पेपर चर्चा होने के बाद, अगर DYFI और CITU मिलके
आने वाले दिन में हम कोई ज्वाइंट प्रोग्राम बनाएंगे. फॉर इट वी नीड सम बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर डिस्कशन. सो आफ्टर दैट ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्थिति है, इसके लिए मैदान में उतर के हमें जो करना चाहिए. हम DYFI अकेले सब कुछ नहीं कर पा रहा है. वी आर ट्राइंग. लास्ट 2-3 ईयर वी ऑर्गेनाइज सो मेनी प्रोग्राम. वी ऑर्गेनाइज वन मैसिव रैली इन दिल्ली. वेयर इज माई जॉब? कहाँ है मेरा काम? लेकिन CITU वर्किंग क्लास, आप इस मूवमेंट में हमें परामर्श देंगे, लीडरशिप देंगे, तो ये मूवमेंट और ज़्यादा पूरे देश में फैला सकता है. अंत में मैं देश के हमारा जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में 2-4 शब्द कहना चाहूँगा. मैं NRC के बारे में आपको पता है, CAA के बारे में पता है. यू आर डिस्कस डिटेल योर पॉलिटिकल रिपोर्ट, इंटरनेशनल नेशनल बोथ. आपको पता है कि भारत में सबसे झूठ बोलने वाला लोग कौन है? हमारा प्रधानमंत्री जी है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन वो और एक झूठ बोला है कि उनके पास पॉलिटिकल साइंस का डिग्री है. उसके बाद उन्होंने बोला है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे. पॉलिटिकल साइंस का डिग्री का कागज उनके पास नहीं है और वो पूरा देश का लोगों के सामने कागज मांग रहा है. हम क्यों कागज देंगे? इसलिए हम स्टूडेंट और यूथ हमने तैयार किया है कि पूरे देश में हम मोदी जी को बोलेंगे, ये देश आपका नहीं है, ये देश हमारा है. एक बार नोटबंदी करके आपने हमें बेवकूफ बनाया, हमको लाइन में खड़ा कर दिया. हम और लाइन में खड़ा नहीं होंगे, हम और कागज नहीं दिखाएंगे. हमारा असली काम है आपको देश में हम हटाएंगे, तब हमारा जो काम है ये हम पूरा कर सकेंगे. सो मैं आशा करता हूँ, आई होप दिस कॉन्फ्रेंस इज ए गॉट ग्रेट सक्सेस. एंड आने वाले दिन में हमारे पूरे जनवादी आंदोलन में देश के सामने जो देश बचाने की लड़ाई है, पूरे लड़ाई में आपका CITU का मूवमेंट एक नया दिशा लेकर आएंगे और हम एक होके पूरे देश में मूवमेंट आंदोलन कर सकेंगे. ये शब्द के साथ आप सबको बधाई देके फिर से मेरा लाल सलाम और कंग्रेचुलेशन देके मेरा बात मैं ख़त्म करता हूँ. इनकलाब जिंदाबाद, DYFI CITU जिंदाबाद.